Actors of civil society, it is the topic for this session. Because the civil society actors, such as the NGOs and social movements, they have a very particular role in the promotion of not only the civil society concept but as well as the role of civil society. Ab, NGOs basically unka purpose both so, sectors. जहाँ गवर्नमेंट अपनी कैपेसिटी में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है या गवर्नमेंट की अटेंशन नहीं है तो वहाँ पर आमतौर पर जो नॉन गवर्नमेंटल एसोसीशन्स होती हैं जिनका मकसद कोई मुनाफ़ा कमाना नहीं होता ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो हुकूमत को हेल्प आउट करने के लिए माशरे को हेल्प आउट करने के लिए अपने जुम्मे कुछ काम ले लेती हैं इनमें से आमतौर पर जो प्रॉपर एन हैं उनमें से अक्सर uh, फोकस करती हैं ऑन द सेक्टर ऑफ एजुकेशन दे ट्राई टू हैव स्कूल्स, दे ट्राई टू इस्टेब्लिश प्रॉपर स्कूलिंग्स इन स्पेसिफिकली इन दोज एरियाज आर फार फार अवे एरियाज एंड मेनली द पीपल दोज हु कैन नॉट अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन इन द स्कूल्स दे नॉर्मली द एन जी ओज ट्राई टू इस्टेबलिश सच टाइप ऑफ स्कूल्स विच आर वेयर द फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन कैन बी प्रोवाइडेड वेयर द कैन लुक आफ्टर दिल्ड्रन दोज आर फ्राम द लोअर क्लास एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड एज एक्चुअली एन जी ओज ट्राई टू प्रमोट द एजुकेशन फॉर द नीडी पीपल तो एक तो सिविल सोसाइटी में उनके जो एक्टर्स हैं एन जी ओज हैं जो पूरी दुनिया के अंदर एजुकेशन और हेल्थ पर बुनियादी तौर पर उनका फोकस है और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ अब एन जो हैं वो एक और सेक्टर में भी काम करती हैं वो जैसे साफ़ पानी जहाँ मैसर नहीं है वहाँ साफ पानी प्रोवाइड करने के प्रोजेक्ट्स लगा रही हैं ताकि लोगों को अगर साफ़ पानी मुहैया होगा तो जाहिर है हेल्थ जो है वो भी इम्प्रूव होगी फिर ऐसे ही बाज़ पर एन जी ओज़ दे ट्राई टू हैव सम काइंड ऑफ हॉस्पिटल्स यानी बेसिक जो सेंटर्स होते हैं हेल्थ के लिए वो आ, वो खोलने की कोशिश करती हैं ख़ास तौर पर फॉर वीमे फीमेल आ, हेल्थ सेंटर्स जो हैं फॉर चिल्ड्रन हेल्थ सेंटर्स इस तरीके का सिस्टम जो है दुनिया के अंदर मुख्तलिफ एन जी ओज जो हैं दे ट्राई टू इस्टेब्लिश एंड देव देयर ओन प्रायरिटीज एंड अकॉर्डिंग टू देयर ओन प्रायरिटी एरियाज एंड ट्राई टू हैव सच मेकनिज़म And another uh, actor of uh, civil society, they can be the social movements. That we all know that actually civil society, uh, they uh, try to uh, establish a proper social movements according to have some proper ideas or to pursue a specific kind of interest or objective. अब सोशल मूवमेंट्स का ऑब्जेक्टिव क्या होता है जैसे आजकल पूरी दुनिया के अंदर जो एक बाकायदा तहरीक है वो एनवायरनमेंट इश्यूज या क्लाइमेट से रिलेटेड चल रही है कि दुनिया में जैसे जैसे क्लाइमेट के इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे लोगों की हेल्थ लोगों के अंदर जो जैसे जैसे ग्रीनरी ख़त्म होगी वैसे वैसे ड्यू टू पोल्यूशन बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो दुनिया के अंदर आ रहे हैं तो आजकल जो सोशल मूवमेंट्स हैं उनका फोकस एक तरफ अगर क्लाइमेट है दूसरी तरफ वो तमाम इश्यूज जो फेमिनिज्म से रिलेटेड हैं खाती पर फोकस्ड है और फिर सोशल मूवमेंट्स का एक और फोकस होता है वो क्या है वो है ह्यूमन राइट्स वायलेशन के दुनिया में जहाँ कहीं भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं वहाँ पर आवाज़ उठाई जा सके फिर हम अगर देखें इन स्पेसिफ़िक कॉन्टेक्स्ट सोशल मूवमेंट्स चलती रही हैं जहाँ पर आर्म्स के ख़िलाफ़ बात हुई फिर जो न्यूक्लियर का ता एक टाइम पीरियड आया दुनिया के अंदर जब बहुत सारी ऐसी मूवमेंट्स चलें जिन्होंने न्यूक्लियर आर्म्स के अगेंस्ट जो है वो बाकायदा आवाज़ भी उठाई और तहरीक भी चलाई तो जो सोशल मूवमेंट्स हैं इनका फोकस क्या होता है एन एक जी एक एक्टर है जो स्पेसिफिक किसी ख़ास एरिया पर काम करती हैं लेकिन इन कंपेरिजन ऑफ सोशल मूवमेंट्स दे रेज देअर वॉइस इनको स्टेट बाउंड्रीज से बाहर निकल कर भी वो मूवमेंट चलती है और इनका फोकस होता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ जहाँ पर जो मसला है उस पर पूरी दुनिया के अंदर कम्यूनिटीज़ के अंदर वर्ल्ड कम्युनिटी के अंदर बाकायदा तौर पर उसी इशू को रेज़ किया जाए उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाए तो यूँ हम यूँ कह सकते हैं कि सिविल सोसाइटी इट हैज़ बेसिकली टू एक्टर्स एन जी ओज एज वेल एज दोशल मूवमेंट्स रिप्रेजेंटेशन वेरी करती है लेकिन बुनियादी तौर पर यही दो एक्टर्स हैं एंड दे आर ड्राइंग टू प्ले अ वेरी मच इम्पॉर्टेंट रोल इन कॉन्टेक्सट ऑफ द सिवल सोसाइटी